सब्सक्राइब के लाल वाले बटन को दबा के बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले पाइए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैं Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 6 Pro के कंपैरिजन का वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं यहाँ कार्ड में देता हूँ, ऊपर जाके चेक कर लेना। अब कुछ लीक्स आने लगे हैं दोस्तों। इंडिया में आपको सबको मालूम है कि Redmi Note 6 Pro जो है वो 20 नवंबर 2020 को लॉन्च होने वाला है, और कुछ कमाल की खबरें आई हैं। लोगों को लग रहा था जो बाहर Redmi Note 6 Pro के नाम से लॉन्च होगा वही इंडिया में लॉन्च होगा, बट कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे हैं जो कि उस बात को काट देते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। और एक नया स्मार्टफोन आ रहा है Redmi Note 6 Pro बनके। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया तो अनलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया। दोस्तों चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में लॉन्च हुआ था Redmi Note 6 Pro जो कि Redmi Note 5 Pro के जैसा ही था, खाली दो कैमरास के डिफरेंसेस थे और छोटे छोटे दो डिफरेंसेस थे, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, और लोगों को लग रहा था कि यही इंडिया में Redmi Note 6 Pro कर बन के लॉन्च होगा। लेकिन एक नई खबर आई है, कुछ नया लीक आया है रूमर करके, रूमर तो नहीं है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कई जगह पर इसकी अनबॉक्सिंग भी हो गई है। अगर आपको मालूम है MI 8 Lite या MI 8 Youth ये वाला स्मार्टफोन, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा रूमर्स आ रहे हैं यूट्यूबर्स के बीच में, ऐसी खबर है कि ये वाला स्मार्टफोन जो है दोस्तों ये बन के आएगा Redmi Note 6 Pro, और जो एक्चुअल Redmi Note 6 Pro दूसरी कंट्रीज में लॉन्च हुआ है वो यहाँ पे Redmi Note 6 बन के आएगा। दोस्तों फटाफट इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें 6.3 इंच का फुल HD प्लस का नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा 90:9 के एस्पेक्ट रेशियो में, 60 Snapdragon 660 का प्रोसेसर है इसमें जो कि Adreno 512 के साथ आता है, अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन है, प्रोसेसर भी अच्छा है बहुत, उसके साथ साथ ये एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के साथ आएगा, उसके साथ साथ इसमें MIUI 9 आएगा, उसको आप MIUI 10 पे अपडेट कर सकते हो, 12+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा का सेटअप है जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ड्यूल LED टोन फ्लैश है, अपाचर की बात करें तो F1.8 का अपाचर है उसका, और बहुत सारे जो भी स्पेसिफिकेशन है कैमरा के सारे मिल जाते हैं इसमें, जैसे मैंने कहा 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो इसमें पैनोरामा HDR बाकी सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। फ्रंट कैमरा की बात करें 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जिसका अपाचर F2.0 का है, माइक्रोन पिक्सल 0.9 के हैं, और जितने स्पेसिफिकेशन होते हैं फ्रंट कैमरा में भी आपको फ्लैश मिल जाएगा। उसके बाद इसमें 3350 mAh की बैटरी है जिसके साथ आपको फास्ट चार्जर भी मिलता है, फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ क्विक चार्ज 3.0, और इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिलता है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। इसका 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है, चाइना में करीब 14,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास लॉन्च हुआ था, यही प्राइस या 15,000 के नीचे अगर इंडिया में लॉन्च होता है स्नैपड्रैगन 660 के साथ, तो ये कड़ी टक्कर देगा रियलमी 2 प्रो को, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन बहुत कमाल के हैं जैसे उसके हैं। सारे सेंसर्स भी मिल जाएंगे इसमें, कोई इशू नहीं है, मेड लाइन सेंसर से लेके फिंगरप्रिंट स्कैनर तक, जायरोस्कोप से लेके जितने भी सेंसर होते हैं छोटे मोटे सब मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। इशू इसमें होता है कि 3.5mm जैक नहीं दिया हुआ है, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो चाइना वाला वेरिएंट है उसमें आया था, उसमें 3.5mm जैक नहीं था, बट इसमें भी अगर इंडिया में लाते हैं तो मुझे नहीं पता कि देंगे कि नहीं देंगे, बट इसमें दिया हुआ नहीं है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा मुझे इशू लगा। अगर ये क्लियर कर लेते हैं और इसे Redmi Note 6 Pro के नाम से इंडिया में लॉन्च करते हैं तो कमाल का स्मार्टफोन होगा, ग्लास बॉडी डिजाइन है, कमाल का दिखता भी है स्मार्टफोन दोस्तों। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबके बीच में ऐसी खबर चल रही है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में Redmi Note 6 Pro बन के आएगा, और जो एक्चुअल Redmi Note 6 Pro बन के दूसरे कंट्रीज में लॉन्च हुआ है वो वाला स्मार्टफोन Redmi Note 6 बन के लॉन्च होगा। अगर आपको याद हो इंडिया में जो Redmi Note 5 Pro हुआ था वो चाइना में जाके Redmi Note 5 बना था, और इंडिया का जो Redmi Note 5 था वो चाइना में Redmi 5 Plus था, Redmi 5 Plus बन के आया था, तो अलग अलग नाम से आती रहती कंट्रीज में। तो अगर ये इंडिया में इस नाम से आता है स्मार्टफोन, अच्छी बात है, स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, 14,000-15,000 में अगर लॉन्च होता है तो कमाल का स्मार्टफोन है किसी भी स्मार्टफोन से अगर आप कंपेयर करते हो तो, और मेरे हिसाब से अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में आ जाता है तो कर देगा धमाल 14,000 के प्राइस में आता है तो। लेकिन अगर उन्हें इंडिया में सक्सेसफुल है तो उसमें 3.5mm जैक देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले दो स्मार्टफोन बुरी तरह मात खा चुके हैं। अगर OnePlus 6T की बात करोगे तो ठीक ठाक है, स्मार्टफोन अच्छा है, बट उसमें 3.5mm जैक नहीं दिया इसलिए बहुत ज़्यादा उसने बैकलैश बेयर किया था। उसके बाद अगर आप देखोगे एक फ्लॉप हो गया था Xiaomi का स्मार्टफोन MI 8 Youth, क्योंकि उसमें 3.5mm जैक नहीं था। तो अगर उनको ये स्मार्टफोन इंडिया में लेकर आना है, 20 तारीख को लॉन्च हो रहा है, देखते हैं कौन सा वाला आता है Redmi Note 6। अगर वही वाला आ गया Redmi Note 6 Pro तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि Xiaomi पहले से ही दो तीन, अगर आप देखोगे पिछले 4-5 महीने में Redmi Note 5 Pro को अगर छोड़ दो, उसके बाद कोई अच्छा स्मार्टफोन इंडिया में उन लोगों ने लॉन्च नहीं किया है, जितने भी स्मार्टफोन है सब गालियाँ ही खा रहे हैं। अगर कोई अच्छा स्मार्टफोन को लॉन्च करना है तो मुझे लगता है MI 8 Lite जो है दोस्तों उसे अगर Redmi Note 6 Pro करके लॉन्च करते हैं तो ये सक्सेसफुल स्मार्टफोन होगा। हाँ, जो Redmi Note 6 Pro दूसरी कंट्रीज में लॉन्च हुआ उसे Redmi Note 6 के लॉन्च कर दें, सक्सेसर बन जाएगा वो, ठीक ठाक ही है, बट स्टिल अगर ये बात सच है तो एक कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों। तो कैसा लगा ये स्मार्टफोन, कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया तो अनलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, आपके पसंद के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके जरूर चेक करो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब करने के लिए कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक टाइम उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।